मैरी गो आर्ट्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज मैं फिर से आपके लिए एक ऐसा क्राफ्ट लेके आई हूँ जो छोटे बच्चों को पढ़ाने में काफी सपोर्ट करता है। अगर आप पेरेंट्स हैं छोटे बच्चों के, टीचर हैं छोटे बच्चों के, तो आपको ये क्राफ्ट जरूर बनाना चाहिए। चलिए मैं बताती हूँ कि ये कैसे आप घर पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक कार्डबोर्ड लेना होगा और उसे आप जितनी संख्या में, सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि इस क्राफ्ट का नाम है काउंट एंड प्लेस। हम लोग छोटे बच्चों को मैथ्स में प्रायः सिखाते हैं कि काउंट करो और कोई भी चीज़ें वहाँ प्लेस करो काउंटिंग करके, या काउंट एंड राइट भी पढ़ाते हैं, काउंट एंड पेस्ट भी पढ़ाते हैं। तो कार्डबोर्ड के गोल टुकड़ा को लेना है और उस पर किसी भी कलर का, लाइट कलर का, आपको एक कलर पेपर चिपका देना है। उसके बाद आप जितनी संख्या का, यहाँ पर मैं 1 से लेके 9 तक की संख्या ली हूँ, 1 से लेके 9, लेकिन आप इससे भी ज़्यादा संख्या, जितनी भी ज़्यादा संख्या को आप एक साथ सिखाना चाहते हैं, आप उतनी संख्या का, उतनी बड़े साइज का ये बना सकते हैं। और आपको उतना बड़ा कार्डबोर्ड लेना होगा, उस पर लाइट कलर का कलर पेपर चिपकाएंगे। उसके बाद स्केच पेन से आप इस तरह से जितनी भी संख्या लेनी है उसके हिसाब से इस पर लकीर खींच लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर कलर स्केच से आप संख्या लिख लेंगे। और चूंकि इसे उठाने और रखने में दिक्कत ना हो, यहाँ पे एक बॉटल कैप चिपका देंगे, क्यूफिक से या फेविकोल किसी भी चीज से चिपका देंगे। अब आगे क्या करना है ये देखिए, आपने यहाँ पे जो साइज लिया है, ये जो आपने लकीर खींच के ये जो ट्रायंगल साइज शेप यहाँ पे लिया है, इसी से इससे मिलाते हुए इतने ही बड़े बड़े साइज का आपको कार्डबोर्ड का टुकड़ा काट लेना है और उस पर भी कलर पेपर चिपका देना है। और इसके ऊपर जितनी संख्या आपने यहाँ पे लिखी है उस संख्या के हिसाब से यहाँ पे बिंदी, आप इस तरह की जो बिंदी आती है ये देखिए, इस तरह की बिंदी को चिपका देना है यहाँ पर। ये देखिए 5 1 2 3 4 5 5 बिंदी चिपकी हुई है यहाँ पे, 4। इसी तरह से ये सभी जितने पीस है सब पे संख्या के हिसाब से बिंदी को मैंने चिपका दिया। अब आगे आपको पढ़ाने के समय क्या करना है, किस तरह से इसे पढ़ाना है बच्चे को, ये मैं आपको बताती हूँ। अब अगर हम बच्चे को कहते हैं कि यहाँ पे 7 लिखा है, तो इसमें से तुम देखो काउंट करके कि 7 किसमें है, वो इसमें से यहाँ पे जो हमने पीसेस रखे हैं उसमें से ये खोजेगा बच्चा और उसे यहाँ पे पेश कर देगा। उसी तरह से अगर आप बच्चे को कहते हैं कि 3 को खोज के यहाँ पे प्लेस करो, तो यहाँ पे देखिए ये 3 को इसने किया। उसी तरह से अगर 2 कहते हैं तो यहाँ पे वो 2 को प्लेस करेगा। अगर आप 1 कहते हैं तो 1 को यहाँ पे करेगा। अब उस तरह से आप जो भी संख्या बोलेंगे बच्चा उसे काउंट करने के साथ साथ उसे प्लेस करता चला जाएगा और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो कितना सीख रहा है और कितना उसने सही सही किया है। तो इस तरह से देखिए कि ये पूरा सेट कंप्लीट हो चुका है और कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे यकीन है कि अगर आप इस तरह का क्राफ्ट बना के बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं तो बच्चे खुशी खुशी सीखेंगे भी और बहुत जल्दी सीखेंगे। और आप
इस तरह के क्राफ्ट से अपने बच्चे की पढ़ाई को भी चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप ये क्राफ्ट जरूर बनाएंगे। अगले वीडियो में मैं फिर आऊंगी किसी नए क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।